वेलकम टू मनीष गुरु। आज 13 जनवरी, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन के कारण नवंबर 2018 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटकर 17 महीने के निचले स्तर पर कितने परसेंट पर आ गई है? तो ये आ गई है 0.5% पर, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैश्विक एयरलाइन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग एजेंसी airlinerating.com द्वारा 2018 के लिए लॉन्च की गई उत्पाद श्रेणी की सूची में सबसे ऊपर है? तो सूची में सबसे ऊपर है जेट एयरवेज, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता के तहत एक पैनल ने 10 जनवरी 2019 को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को चुनाव से पहले अंतिम 48 घंटे के दौरान डिजिटल मीडिया और चुनाव प्रचार पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है? तो ये रिपोर्ट सौंपी है उमेश सिन्हा ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2019 को मेघालय, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं? तो ये परियोजनाएं 4 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा स्वराज ने 12 जनवरी 2019 को प्रथम भारत मध्य एशिया वार्ता में भाग लेने के लिए किस देश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा शुरू की है? तो ये यात्रा शुरू की उज्बेकिस्तान की, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2019 को यूएसए के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चार्ल्स कुपरमैन को नियुक्त किया है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया वो किया गया जयदीप गोविंद को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 11 जनवरी 2019 को अमा घरे लैड योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है ओडिशा सरकार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2019 को भारतीय नौसेना ने तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास में कितने फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC को नाग पट्टिनम में अपने बेड़े में शामिल किया है? तो 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को शामिल किया है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड 2018-19 श्रृंखला 5 14 जनवरी 2019 से उनकी कीमत कितने रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से खोले जाएंगे? तो ये खोजे जाएंगे 3,214 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2019 को 3 दिवसीय बंगाल फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया कोलकाता में, यानी इसका करेक्ट आंसर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2019 को टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम के तहत भारत और किसके बीच संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है स्वाजीलैंड ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2019 को व्यापार विकास और संबंधन परिषद की 4th बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये बैठक आयोजित होती नई दिल्ली में, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2019 को भारत और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है भारत और जापान के बीच, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत किया है? तो ये अधिकृत किया है जापान देश ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2019 को नेपाल के भारत के साथ लंबे और मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेना के योगदान के लिए किसे भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया जनरल पूर्णचंद थापा को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2019 को किसे ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी के लिए ICSI लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया आदि गोदरेज को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।